It was amazing. It was full of content. Really nice story. And what about acting skills of Rani? She's spectacular. Rani ka comeback kaafi acha tha. Usne bahut acche se apne aap ko portray kiya. What is the movie trying to showcase? Kya showcase karne ki koshish ki gayi film mein? It's about a group of 14 people, 14 students who are really underrated, and they're from Chawal or something like that. So they're not good in studies and academics. So they try to compete. काफी अच्छे से Rani ने कैसे revamp किया उन लोगों और कितने अच्छे से उन लोगों को comeback किया. So that was really good. Out of 5 stars? 3.5. So it's very nice movie. Rani Mukherjee ने दोबारा comeback किया है तो मुझे तो बहुत अच्छी movie लगी है. इसमें सबसे बड़ा अच्छा जो message ये है कि एक student जो है एक teacher जो है वो एक student को बिगाड़ भी सकता है और बना भी सकता है. तो इसी में उन्होंने मैसेज दिया है कि कैसे अच्छी टीचिंग से आप एक स्टूडेंट को ब्राइट बना सकते हैं. तो क्या कहना चाहेंगे, क्या शोकेस करने की कोशिश की गई इस फिल्म में? इसकी जो रानी मुखर्जी को एक प्रॉब्लम है, एक आई डोंट नो, मतलब मैंने कभी इसे पर्सनली ना तो देखा है ना कभी सुना है, तो ये चीज़ हो सकती है. तो मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती, वो तो आपको देख के पता चलेगा. एक्टिंग तो रानी मुखर्जी हमेशा कमाल ही करती है, तो इस बार भी उन्होंने धमाल ही किया. बिसाइड्स रानी, एनी अदर एक्टर और एक्ट्रेस इन द मूवी, एनी कैरेक्टर आर्टिस्ट? जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है. अच्छा, इज अ वन टाइम वॉच, टू टाइम वॉच, आउट ऑफ 5 आउट? नॉर्मल मूवी, वन टाइम वॉच है. वन टाइम वॉच है. क्या खास है इस फिल्म में, क्या डिफरेंट नजर आएगा? सिर्फ एक टीचर की इंस्पिरेशन खास है इसके अंदर. अच्छा. कि कैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को इंस्पायर करके किसी भी लेवल तक ले जा सकती है. थोड़ा सा अनप्रैक्टिकल ज़रूर है, थोड़ा अनप्रैक्टिकल ज़रूर है. मैं ये नहीं कहूँगा जो दिखाया कि 100% पॉसिबल है, लेकिन जिस पीरियड के लिए दिखाया गया, जैसे दिखाया गया कि 4 महीनों में एकदम नालायक स्टूडेंट्स को उसने टॉपर बना दिया, विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Sir, aapki film The Great Leader aa rahi hai, इस पर कुछ रोशनी डालिए. रोशनी लीडर के साथ अपने आप चलती है, और हम क्या रोशनी डालेंगे उसके ऊपर. एक बहुत ही अच्छा विषय है इस फिल्म का, महिलाओं के प्रति जो है समाज में आजकल और कई गांवों में, कई क्षेत्रों में अत्याचार होता है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता. इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है. हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं. तो ये एक हिंदी वर्जन है, तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ. द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं, जो पिछले 45 वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं. लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता? ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं, उसके बाद ये निर्देशक बन जाते हैं. इस फिल्म की सफलता के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी. दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं, और इसी तरह उनको सहायता बनी रहे ताकि ऐसी फिल्मों का प्रचार हो, और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और स्नेह और आदर. ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशंस.